सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्यला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति वेदांत शिल नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे ऐतुई कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नित्यला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति वेदांत शिल स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी ऐतुई कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्ण। तो हम जिस स्थान पे आए हैं सूर्य कुंड, प्रायः हमारी जब भी परिक्रमा होती है संध्या के समय हम लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन आज हम लोग सुबह ही यहाँ पे आए हैं क्योंकि नाश्ता प्रसादी है पास के एक स्कूल में। भगवान श्री कृष्ण की अनेकों प्रकार की लीलाएं हैं और भगवान की जो लीलाएं हैं इसको बोलते हैं अष्टयाम लीला, जिसके अंदर 24 घंटे जो होते हैं उसको 8 भाग में अगर बांट दिया जाए तो भगवान की अष्टकालीन लीला होती है। जैसे निशांत लीला होती है जब निशा का अंत होता है, रात की जो लीला होती है उसको बोलते हैं निशा लीला, रात्रि लीला, दिन में मध्यान्ह लीला। मध्यान्ह लीला होती है 10:48 से लेके 3:36 तक, ऐसे ही रात को 10:48 से 3:36 तक सुबह के फिर होती है निशा लीला, उसके बाद सुबह के 6 बजे तक निशांत लीला। तो भगवान की जो लीलाएं हैं इस अष्टयाम की जो लीला है उसके अनुसार यहाँ पे जो है राधा जी का सुबह यहाँ पे राधा जी आती है और सूर्य पूजा करने के लिए आती है और सूर्य पूजा के छल से वो कृष्ण के ही दर्शन करने के लिए आती है। जब राधा जी अपने सास और ननद से आज्ञा लेके आती है फूलों को लेके यहाँ पे सूर्य पूजा करने के लिए, उतने में ही क्या होता है आज राधा जी के साथ में उनकी रूप मंजरी जो उनकी दासी है उनके साथ में खड़ी है और आज उनको कोई ब्राह्मण ही नहीं मिल रहा कि पूजा कराए तो कराए किससे, कोई ना कोई तो पूजा करने के लिए कोई ब्राह्मण चाहिए। तो उतने में ही रूप मंजरी जी राधा जी को बोलती है कि हाँ आप यहीं पे खड़े रहो, मैं पास में देख के आती हूँ, कोई ना कोई तो ब्राह्मण मिल ही जाएगा। तो इधर आने के लिए जो पगडंडी है उस पगडंडी के उस मार्ग में जाके रूप मंजरी जी खड़ी हो जाती है कि देखो कोई ना कोई तो ब्राह्मण मिल जाएगा। उतने में ही कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां से जा रहे होते हैं और रूप मंजरी जी उनको रोकती है, अरे ब्राह्मण देवता रुको, हमारी स्वामिनी आई है और आप आज कृपा करके उनको सूर्य पूजा करा दो। तो वो ब्राह्मण बोलते हैं कि देखो मैं तो किसी स्त्री को कोई पूजा नहीं करा सकता क्योंकि मैं तो अखंड ब्रह्मचारी हूँ और मैं तो यहाँ पे कुछ रास्ता भटक गया और मैं कोई पूजा वूजा नहीं करवाता किसी को। तो बोलती है कि नहीं नहीं ये तो कोई बहुत तेजस्वी ब्राह्मण है, क्योंकि उनको देखने से ही रूप मंजरी जी के हृदय के अंदर जो है एक चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो साक्षात कृष्ण ही है। तो वहां पे देखती कि नहीं ये तो तेजस्वी ब्राह्मण है, इससे तो आज मैं अवश्य ही राधा जी की सूर्य पूजन करवाऊंगी। तो रूप मंजरी जी उनसे बहुत प्रार्थना करती है, कहती है कि देखो हमारी भी स्वामिनी कोई ऐसी वैसी नहीं है, पूरे ब्रज में सब जानते हैं कि वो कितनी पतिव्रता है और सब लोग उनकी महिमा गान करते हैं राधा रानी की, तो इसलिए आज मानो कि आपको भी एक सौभाग्य मिल रहा है कि आपको उनकी पूजा कराने का, तो कृपा करके आप चल के उनकी पूजा करवा दो। वहीं पास में ललिता खड़ी होती है, तो ललिता जी बोलती है कि देखो आप अपना रास्ता भटक गए हो, लेकिन आपका जो रास्ता है जिस आश्रम से आप आए हो कौन सा आश्रम है, वो बोलते हैं कि मैं शांडल्य ऋषि का शिष्य हूँ और मैं उनके आश्रम से आया हूँ। तो ललिता जी कहती है शांडल्य ऋषि के आश्रम में तो हम दूध दही घी लेके जाती रहती हैं, हमने तो उनके बहुत सारे शिष्य वहां पे देखे, आपको तो कभी हमने वहां पे देखा नहीं। तो कृष्ण कहते हैं कि वही तो बात है, मेरे गुरुदेव का मैं सबसे प्रिय शिष्य हूँ, मैं इतना प्रिय हूँ कि वो मुझे अपने हृदय में ही हमेशा रखते हैं, मुझे कहीं बाहर जाने ही नहीं देते, बिल्कुल आश्रम के अंदर ही मैं रहता हूँ, मैं कभी बाहर भी नहीं निकलता। आज तो मेरे को मेरे गुरुदेव ने कुछ फूलों को लेके आने के लिए पहली बार मैं जीवन में आश्रम के बाहर निकला और मुझे यहाँ के रास्ते भी पता नहीं, सो मैं मार्ग भटक गया। तो ललिता जी कहती है कुछ नहीं होता ब्राह्मण, आप चिंता क्यों करते हो ब्राह्मण देवता, आप हमारे साथ चलो, हम आपको आपके आश्रम तक ही छोड़ देती हैं और रास्ते में ही ये सूर्य नारायण का मंदिर पड़ेगा, यहीं पे आप पूजा भी करवा देगा। तो किसी प्रकार से उनको यहाँ पे लेके आते हैं, जब यहाँ पे उनको लेके आते हैं तो आज राधा जी सूर्य पूजन करने अकेली नहीं आई है, आज उनके साथ में जटिला और कुटिला भी आई है। तो जैसे ही जटिला कुटिला इस ब्राह्मण के दर्शन करती है, राधा जी इस ब्राह्मण के दर्शन करती है, ये है कौन, साक्षात कृष्ण है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि, जिनका कैसा रूप है कोटि कोटि कामदेव को भी मूर्छित कर दे। तो इतना तेजस्वी ब्राह्मण, उसको देख के जटिला कुटिला की भी आंखें चमक जाती है, अरे इतना ब्राह्मण ब्रह्म तेज निकल रहा है इसके शरीर में से, तो आज तो हमारी पूजा सार्थक हो ही जाएगी। तो
तो जटिला कुटिला जैसी उस ब्राह्मण के चरण स्पर्श करने के लिए जाती है, कृष्ण एकदम पीछे हट जाते हैं। अरे दूर हट, मैं स्त्रियों से अपने चरण स्पर्श नहीं कराता हूँ। तो जटिला कुटिला प्रार्थना करती है कि आपको जो भेंट चाहिए सो हम आपको भेंट देंगे, लेकिन आज आप क्या करो, सूर्य पूजा आज ही आप हमारी करवा दो। तो वहां पे उतने में ही कृष्ण से जब बहुत प्रार्थना करते हैं तो कृष्ण कहते हैं कि ठीक है मैं सूर्य पूजन कराऊंगा। अब उतने में ही क्या होता है, जटिला कुटिला को बुलावा आ जाता है उनके खेत से, तो वो अपने खेत में चली जाती है। अब यहाँ पे कृष्ण इस मंडप में जहाँ पे सूर्य पूजा होगी खुद यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, बाहर सब गोपियों को खड़े करते हैं और एक एक करके जैसे आपने देखा होगा हाथ में फूल लेके मंत्र पढ़ के फूलों को देंगे, फिर अर्घ्य देंगे, धूप दीप आदि सब देंगे, नैवेद्य देंगे, तो वो सबके हाथ में फूल दिए जाते हैं। अब जब सूर्य मंत्र जब पढ़ा जाता है तो कृष्ण एक ऐसा मंत्र पढ़ते हैं जिसका मंत्र का अर्थ होता है कि राधा जी के जो दासी है, राधा जी का जो दास है वो कृष्ण, अब उनकी स्वामी राधा जी अपने दास के ऊपर प्रसन्न हो। संस्कृत में एक ऐसे मंत्र को पढ़ते हैं। तो ललिता जी थोड़ी चकित हो जाती है कि हम तो सूर्य पूजा रोज किसी न किसी ब्राह्मण से कराते हैं, ये आज नया मंत्र कौन सा बोल रहा है सूर्य पूजा का। और उसमें वो एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है मित्र। मित्र सूर्य को भी बोलते हैं जो कमल का मित्र है, और राधा रूपी कमल के मित्र कौन है, कृष्ण है। वहां पे वो हर मंत्र का कुछ ना कुछ एक अलग अर्थ होता है क्योंकि ब्रज में संस्कृत भाषा है, तो संस्कृत भाषा में एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। जैसे कई बार कृष्ण अपने अपने तोते से राधा नाम सुनना चाहते हैं, लेकिन अब राधा नाम तोते को तो नहीं बोल सकते घर में सबके सामने राधा लो, तो फिर वो तोते को एक मंत्र सिखाते हैं, धरा धर वपुर धरा अधरा, ऐसे करके बहुत लंबा मंत्र। अब वो तोता इतना बड़ा संस्कृत का मंत्र बोल ही नहीं पाता, तो कृष्ण कहते हैं चल तू इतना बड़ा मंत्र नहीं बोल पा रहा, उसका आधा ही बोल ले, धरा धर धर बोल दे। वो धरा धर धर बोलना शुरू करता है, धरा धर राधा 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 निकल आता है। तो किसी प्रकार से छल करके वो क्या करते हैं, राधा जी के दर्शन करना चाहते हैं, छल से ही राधा जी का नाम भी सुनना चाहते हैं। तो वहां पे वो एक ऐसे मंत्रों का प्रयोग करते हैं जिस मंत्र का सबका ड्यूअल अर्थ है, एक अर्थ में तो वो सूर्य का पूजन करा रहे हैं, दूसरे अर्थ में साक्षात दोनों युगल आपस में प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। अब उतने में ही चित्रा को क्या होता है, क्योंकि कृष्ण जब भी राधा जी को देखते हैं तो उनकी क्या दशा होती है, वेणु करानि पतितम सखलितम सकलितम च शिखंडम भ्रष्टम च प्रीतवस्त्रम ब्रजराज सुनो, कि जब भी वो राधा जी को देखते हैं तो राधा जी को देखने के साथ साथ उनका पीत वसन गिर जाता है, उनका मोर मंग के पुंग गिर जाता है, स्वयं खुद भी गिरने वाले होते हैं। अब जब वो यहाँ पे साक्षात राधा जी के दर्शन कर रहे हैं तो उनके चेहरे पे एक नया ही प्रफुल्लित होता जा रहा है। कैसे प्रफुल्लित हो रहा है, जिसको बताया चैतन्य चरितामृत में, गोपी शोभा देखे जत कृष्ण शोभा बढ़े जत, कृष्ण शोभा देखे जत गोपी शोभा बढ़े जत, एई मत परस्पर पड़े रूढ़ा हूड़ी, परस्पर बाड़े के हो नाही मूड़ी। जब गोपियां कृष्ण के दर्शन करती है, गोपियों को कृष्ण के दर्शन करने के बाद एक आनंद होता है, उस आनंद से गोपियों का जो अंग है वो और प्रफुल्लित हो जाता है। इस जगत में भी देखते हैं ना, अगर कोई व्यक्ति दुखी हो तो चेहरे से पता चल जाता है दुखी है या सुखी है। अब जैसे ही गोपियों को अंग प्रफुल्लित होता है तो कृष्ण जब गोपियों को देखते हैं तो कृष्ण को गोपियों को देखने बाद कृष्ण की जो शोभा है वो और बढ़ जाती है। अमार दर्शन ने कृष्ण पाई ना एता सुख, गोपियां देखती है अरे हमारे दर्शन से कृष्ण को इतना सुख मिल रहा है, ए सुखे प्रफुल गोपिन अंगो। गोपियों को किस चीज का सुख मिलता है, गोपियों को ये सुख मिलता है कि देखो हमारे दर्शन से कृष्ण को कितना सुख मिल रहा है। उस कृष्ण के सुख को उनके मुख में देख के गोपियों का अंग क्या होता है और प्रफुल्लित हो जाता है। इसी प्रकार से फिर दोनों में आपस में क्या होता है, हुड़ा हुड़ी लगती रहती है, यहाँ पे गोपियों की शोभा बढ़ती रहती है और यहाँ पे कृष्ण की शोभा बढ़ती रहती है। बताया पारस्पर बढ़े केहो नहीं मुड़ी, और कम नहीं होती बढ़ती ही रहती है। तो कृष्ण जब राधा जी के सौंदर्य का दर्शन कर रहे हैं तो उनके मुख में जिस प्रकार का जो विकार आ रहा है और साथ में पूजा भी चल रही है। अब जब राधा जी की जब पूजा कर रहे हैं, ब्राह्मण जब पूजा करता है तो वो देवता की पूजा कर रहा है, तो अर्घ्य देगा तो किसको देगा, उस देव को देगा, दर्शन करेगा देव के करेगा। लेकिन कृष्ण जितने भी मंत्र पढ़ पढ़ के स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, वो सूर्य देव को ना देख के राधा जी को देख के स्वाहा 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 कर रहे हैं। तो वहां पे चित्रा को एक थोड़ा सा संदेह होता है। चित्रा जाके ललिता के कान में बोलती है, अरे ललिते मुझे तो पक्का संदेह हो रहा है ये कोई ब्राह्मण और नहीं, ये श्याम सुंदर कृष्ण ही है। ललिता जी बोलती है, अरे नहीं नहीं श्याम सुंदर हमारे श्याम रंग के हैं, इसका तो देख इसका तो वर्ण ही दूसरा है, और हमारे श्याम सुंदर तो बहुत कैसे हैं,
छलिए है, कपटी है, धूर्त है, ये तो देख कितना सरल ब्राह्मण है, इसके चेहरे से ही मानो सरलता टप टप करके गिर रही है, ये कृष्ण कैसे हो सकते हैं? और इसकी वाणी भी तो देख, कृष्ण की वाणी और इसकी वाणी में भी बहुत अंतर है, तू हमेशा संदेह करती रहती है, नहीं नहीं ये ब्राह्मण ही है, कोई तेजस्वी ब्राह्मण है। उतने में चित्रा का संदेह दूर नहीं होता। फिर चित्रा जो है विशाखा जी के कान में जाके बोलती है, देख ललिता तो मेरी बात मान ही रही है, देखो ऐसे नहीं लग रहा जो मैं सोच रही हूँ, क्या तू भी वही सोच रही है क्या कि ये साक्षात कृष्ण ही है? तो विशाखा जी कहती है कि हम एक काम करते हैं, अभी जब हम पूजा कर रहे हैं सबके हाथ में क्या है, पुष्प है, तो हम पुष्प की जगह ना हाथ में थोड़ा जल ले लेते हैं, और जब सूर्य नारायण के ऊपर फेंकना होगा तो हम गलती से क्या करेंगे, कृष्ण के ऊपर ही जल फेंक देंगे, और जैसे ही इसके ऊपर जल फेंकेंगे मानो अगर इसने रंग किया होगा तो पकड़ में आ ही जाएगा। तो चित्रा और विशाखा अपने हाथ में थोड़ा सा जल ले लेती है। उतने में ही क्या होता है, वो राधा जी को बोलती है कि राधा जी हम तो ये करेंगे और ये चोर पकड़ में आए ना आए तो तुम भी क्या करना, तुम भी इसको ना थोड़ा हास्य करते हुए इसको कटाक्ष मारना शुरू करो, तब जाके समझ में आ जाएगा, क्योंकि राधा जी का जो कटाक्ष है उसके सामने तो कृष्ण अपना रूप उनका प्रकाशित हो ही जाएगा। तो उतने में क्या होता है, जब सूर्य पूजा हो रही होती है तो पूजा के समय कृष्ण तो बहुत गंभीर रूप धारण करके बैठे हैं, कहीं भी मुझे पकड़ ना ले। अब राधा जी पूजा करते करते ब्राह्मण को देख के बार बार हंसना शुरू करती है, उनको कटाक्ष मारना शुरू करती है। अब कृष्ण का जो मानव हृदय रूपी जो उनका कवच है उसको राधा रूपी कटाक्ष रूपी बाण ने क्या किया, भेद दिया। अब कृष्ण भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे, उतने भी जब जैसे ही जल थोड़ा यहाँ पे छिड़कते हैं तो जैसे ही यहाँ पे जल गिरता है तो कृष्ण ऐसे जल को ऐसे साफ करते हैं, जैसे जल को साफ करते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, पता चलता है ये तो कौन है, हमारे श्याम सुंदर कृष्ण ही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे छल से कृष्ण राधा जी को सूर्य पूजन कराने के लिए आते हैं, और यहीं पे ही एक समाधि है मधुसूदन दास बाबा जी की, जिन्होंने यहाँ पे रह के भजन किया है, बचपन से ही इनके हृदय में विराग था और ये ब्रज में आ गए भजन करने के लिए। जब ब्रज में भजन करने के लिए आए तो देखा कि जब तक गुरु नहीं मिलेगा तब तक तो हमें कृष्ण की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। तो इन मधुसूदन महाराज जी ने क्या किया, भगवान से बहुत प्रार्थना करते थे कि किसी प्रकार से मुझे भी कोई गुरु मिल जाए। एक दिन गोवर्धन में ही कोई एक गुरु आए और इनको हरि नाम देके चले गए, बोला ये हरि नाम है इसको करो, इसी से ही तुम्हारा मंगल होगा, गुरु जी से हरि नाम ले लिया। अब दिन रात रोते रोते भगवान का नाम करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दिन रात भगवान का नाम करते हैं। अब इनके मन में इच्छा आई कि मुझे सिद्ध प्रणाली चाहिए। सिद्ध प्रणाली क्या होता है, जो भजन करते करते ऐसी दशा आती है जब साधक को ये पता चल जाता है कि मेरा वहां पे क्या स्वरूप है, राधा जी की किस स्वरूप से मुझे सेवा करनी है। अब इनको अपने गुरु जी से हरि नाम तो ले लिया था, कुछ वर्ष बीत गए लेकिन इनको अपने गुरु जी का नाम ही नहीं पता था, एक बारी हरि नाम लेने के बाद दोबारा गुरु जी से मिले ही नहीं। तो इनको पता चला कि ब्रज में एक सिद्ध बाबा रहते हैं जिनका नाम है कृष्णदास बाबा जी महाराज, गोवर्धन में ही है। उनके पास गए, उनको जाके बोला कि मुझे सिद्ध प्रणाली दे दो, मैं भजन करता हूँ। बोले तुम्हारे गुरु है या कोई नहीं है, बिना गुरु के तो हम ऐसे सिद्ध प्रणाली दे नहीं सकते, किसके शिष्य को बताओ। बोले कि देखो मेरे गुरु तो है, प्रमाणिक है, लेकिन मुझे अपने गुरु जी का नाम नहीं पता, और मेरे गुरु के गुरु कौन है, गुरु परंपरा क्या है, बोले मुझे इसका कुछ पता नहीं है। बोले जब तक तुम्हें अपने गुरु और गुरु परंपरा के बारे में नहीं पता तो हम तुम्हें कैसे सिद्ध प्रणाली दे सकते हैं, तुम जाओ किसी और बाबा के पास जाओ। तो ब्रज में ही एक और बाबा रहते थे जिनका नाम था जय किशन दास बाबा जी महाराज, वो भी एक सिद्ध बाबा थे, उनके पास गए। उन्होंने भी उनको ये बोला कि जब तक तुम्हारी कोई गुरु परंपरा ही नहीं है, तुम्हें अपने गुरु के बारे में नहीं पता, तो ऐसे हम तुम्हें कैसे गुरु प्रणाली दे सकते हैं। तो बड़े दुखी हुए और आगे राधा कुंड के तट पे बैठ गए। बोले कि मैं अपना घर बार सब छोड़ के आया भजन करने के लिए, और मुझे मेरे गुरुदेव ने हरि नाम दिया, उसके बाद में कभी उनसे मिला ही नहीं, और मुझे यही नहीं पता मेरे गुरुदेव उनके गुरुदेव गुरु परंपरा क्या है, और इसलिए मुझे कोई भी जो सिद्ध बाबा है सिद्ध प्रणाली देने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने वहीं पे ही राधा कुंड के तट पे बैठ के रोते रोते राधा जी से प्रार्थना करी और सोचा कि अब मैं इस देह को ही त्याग देता हूँ, क्यों, जब ये देह भगवान की सेवा ही नहीं कर सकता तो देह को धारण करने का लाभ ही क्या है। तो वहीं पे उन्होंने गिरिराज जी की एक शिला लेके अपने गर्दन में बांध ली और राधा कुंड के जल में कूद जाते हैं। राधा जी की उनके ऊपर विशेष कृपा होती है, राधा जी उनको जल से वापस बाहर फेंक देती है और उनके हाथ में एक ताल पत्र में उनकी गुरु परंपरा पूरा लिख के दे देती है। और जैसे ही उन्होंने उस ताल पत्र को देखा तो उसमें उनके गुरुदेव का, उनके परम गुरुदेव का, परात्पर गुरुदेव का, उनकी पूरी गुरु परंपरा का
नाम लिखा हुआ था। फिर उसको लेके वो जाते हैं जयकृष्णदास बाबा जी महाराज जी के पास और तब उनको स्वीकार किया जाता है कि हाँ तुम कहाँ से हो, एक प्रमाणिक गुरु परंपरा से तुमने दीक्षा ली है। तो यहाँ पे शिक्षा दी कि अगर किसी को भी गुरु धारण करने हैं तो कौन से गुरु धारण करने चाहिए, जिसकी गुरु परंपरा हो। आज किसी से हम जाके पूछते हैं कोई बहुत बड़ा गुरु है, अरे भाई आपके तो लाखों शिष्य हैं, आपके गुरुजी कौन है? वो बोलते हैं कि मेरे गुरुजी जो है वो रवि श्याम जी हैं। चलो आपके गुरुजी के पास गए रवि श्याम जी, अरे आपके शिष्य ने तो बहुत प्रचार किया, लाखों शिष्य हो गए, और आपके गुरुजी कौन थे जरा बताना? वो बोलते हैं मेरे गुरुजी श्याम उमा थे, उनके गुरुजी के पास गए श्याम उमा। अरे आपके गुरुजी कौन थे? बोला भाई मेरे तो कोई गुरु नहीं था, मैं तो खुद ही गुरु बन गया। तो ये गुरु परंपरा हुई क्या? ये गुरु परंपरा नहीं हुई। भगवान कृष्ण ने धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, वेद किसने दिए हैं? भगवान ने दिए हैं। तो जब वेदों को भगवान ने दिया तो भगवान ने ज्ञान चार लोगों को दिया था, लक्ष्मी जी को, ब्रह्मा जी को, शिव जी को और चतुसंत को, और इन चारों के माध्यम से चार संप्रदाय आ रही है जिस संप्रदाय में इस वेदों के ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। ये चार संप्रदाय कौन कौन सी है? श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णवा श्रुति पावना। लक्ष्मी जी से जो संप्रदाय आ रही है वो है श्री संप्रदाय, ब्रह्मा जी से जो संप्रदाय आ रही है वो है ब्रह्म संप्रदाय, चतुसंत से जो संप्रदाय आ रही है सनक संप्रदाय, शिव जी से जो आ रही है रुद्र संप्रदाय। कौन कौन सी? श्री संप्रदाय कहां से आ रही है? रुद्र संप्रदाय, सनक संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय ब्रह्मा जी से। इसलिए आप देखो कि भारत में जितने भी प्राचीन मंदिर हैं वो इन चार संप्रदाय में हैं। इन चार संप्रदाय के बाहर कोई मंदिर नहीं है। यहाँ तक कि राजस्थान में एक देवस्थान विभाग है, उस देवस्थान विभाग के पास एक मंदिरों की लिस्ट है जितने भी प्राचीन मंदिर है, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि कौन सा मंदिर इन चारों में से कौन सी संप्रदाय का है। लेकिन धीरे धीरे काल क्रम के अनुसार जैसे कलयुग का और तांडव नृत्य बढ़ता रहा तो संप्रदाय को लोग नहीं समझते, कोई भी गुरु बन जाता है, शिष्य बना लेता है, लेकिन बिना संप्रदाय के बाहर अगर कोई भी मंत्र लेता है वो मंत्र निष्फल हो जाता है। यहाँ तक कि जितने भी इतिहास के भक्त हुए हैं, चाहे वो नरसिंह देव हो, ये मीराबाई हो, या सूरदास जी हो, बिल्वा मंगलदास ठाकुर हो, जितने भी आप देखोगे पूर्व में जो भक्त हुए हैं उन सबके इतिहास में आते हैं वो किसी संप्रदाय में थे। नारद जी भी संप्रदाय में थे, वेद व्यास जी संप्रदाय में थे, स्वयं जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने भी इस ब्रह्म संप्रदाय को स्वीकार किया है। तो यहाँ पे मधुसूदन दास बाबा जी फिर यहीं पे रहकर उन्होंने भजन किया, और यहाँ पे जब वो रहकर भजन करते थे, भजन करते करते कई बार वो अपने नित्य सिद्धे में राधा कृष्ण की मानसिक सेवा करते थे। मानसिक सेवा करते करते मान लो आज राधा कृष्ण की होली की लीला हो रही है, तो उस होली की लीला से जब वो होली की लीला का जब वो स्मरण करते थे, करते करते उनके देह पे पूरे होली के रंग लग जाते थे। इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे रहकर भजन किया है। तो यहीं पे हम लोग इस स्थान को प्रणाम करते हैं, अभी हम समाधि पे जाएंगे, वहां पे भी हम लोग दर्शन करेंगे। इतना ही बोल के मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। हाँ एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जल्दी जल्दी में श्री धाम ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी जहाँ पर पहुंचे हैं, कौन सा मंदिर है? ये सूर्य भगवान के मंदिर है। अभी प्रश्न है सूर्य भगवान यहाँ कहाँ से आ गए? इन्होंने भगवान की कठोर तपस्या की, राधा कृष्ण की 60,000 साल इन्होंने तपस्या की, लेकिन जब भगवान संतुष्ट हुए राधा कृष्ण बोले तुम क्या चाहते हो? बोले प्रभु आपका लीला दर्शन करना चाहता हूँ, आपकी बाल्य लीलाओं को दर्शन करना चाहता हूँ। तब भगवान कृष्ण बोले ठीक है, जो सूर्य कुंड जो स्थान है इन्होंने यहीं पर तपस्या की थी, बोले तुम यहीं पर रहो, कृष्ण जब द्वापर युग में आएंगे आकर के जब उन्हें लीला करेंगे यहीं पर तब उनकी लीलाओं को तुम दर्शन कर पाओगे। इसलिए स्वयं यहाँ पर सूर्य देवता भी भगवान को दर्शन की अभिलाष से यहाँ पर भी ये बैठे हुए हैं, और ठाकुर जी की उन्होंने यहीं पर जब कृष्ण आया करते थे लीला करते थे, सूर्य देवता भी ठाकुर जी को दर्शन किया करते थे।
इसलिए यहाँ पर एक बाटिका था जिनका नाम था कंदर्प कुहेली बाटिका। कंदर्प मतलब काम प्रेम, कुहेली मतलब जहाँ पर राधा कृष्ण आकर के जिस बाटिका मतलब बगीचा में मधुर मधुर जहाँ लीला करते थे, इसलिए जो बाटिका का नाम था कंदर्प कुहेली बाटिका उसका नाम था। कहते सूर्य पूजा विशेष करके आप लोग का जो सूर्य देवता की पूजा संडे को होता है, इतवार रविवार को होता है, विशेष करके राधा रानी यहीं पर अपना शक्तियों को लेकर राधा रानी जाती थी। कल गए थे ना नंदगांव, जब नंदगांव राधा रानी जाती थी वहीं पर कृष्ण के लिए सुंदर सुंदर पकवान बनाया करती थी करके, जब श्री श्याम सुंदर जब गैया चराने के लिए जाते थे भोजन करके, तो राधा रानी बड़ी प्रेम भरी दृष्टि से दर्शन करती थी। मानो कृष्ण राधा रानी को अपना हृदय में है, राधा मानो कृष्ण एक जाल, राधा रानी का मीन मास, जैसे मछली को जाल में फंसा देते हैं, कृष्ण चंद्र राधा रानी की मन रूपी मछली को अपना मन रूपी जाल में फंसा करके, और कृष्ण इस तरह से बोलते थे, बोले देखो राधे कोई चिंता मत करो, अभी मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद में यही सूर्य कुंड में फिर दोबारा तेरे साथ में यहीं पर मिलूंगा। इसलिए राधा रानी को सखियां जैसे किसी पुतला को ले जाते हैं, क्योंकि कृष्ण का विरह में राधा रानी बड़ी दुखी है। फिर राधा रानी आती है कहाँ, जाबट, कल भी जाबट गए थे वहीं पर जाकर जटिला कुटिला, और वहीं पर उन्होंने अपना सास और नरेंद्र को बुला करती थी, आज संडे है हम जा रहे हैं सूर्य देवता को पूजा करने के लिए। बोले पूजा करने के लिए क्यों आते हो, कहते ब्रज में जो धन है वो धन ही यहाँ का मूल धन है। नंद बाबा का 9 लाख गया था, वृषभा ने महाराज का 11 लाख गया था, पहले ना एक गैया ही असली धन होता था, असली धन गो धन ही असली धन होता था, जिसको पास में जितने गैया वो उतना बड़ा माने जाते थे, उतने बड़े माने जाते थे। इसलिए कहते थे इसलिए पूजा करने आते थे, अगर सूर्य देवता की कृपा होगा तो हमारी गो धन भी वो बढ़ेगा, आपको माल मिलेगा। इसलिए इन्होंने सूर्य देवता की पूजा करने के लिए क्या करती थी, वहां से चंदन कर्पूर अगुर फूल की माला और लोटे ये सब संग्रह करके यहीं पर राधा रानी अपना सखियों को ललिता विशाखा के साथ में यहीं पर आया करती थी। लेकिन राधा रानी क्या सूर्य पूजा करने आती थी, बोले सूर्य पूजा नहीं, ये सूर्य पूजा की बहाना है, लेकिन वो कृष्ण से मिलने के लिए यहीं पर आया करती थी। आने पर इतने में कृष्ण भी गोचारण करने के लिए आते हैं, हम परसों जाएंगे जहाँ पर वहां पर कुसुम सरोवर है, गिरिराज गोवर्धन कुसुम सरोवर, वहीं पर कृष्ण सखाओं के साथ में गोचारण करने के लिए आते थे। और वृंदा देवी क्या करती थी, वृंदा कौन है, जो राधा कृष्ण जुगल को जो मिलन कराती है, श्री वृंदा देवी। ये वृंदा देवी को द्वारा राधा रानी कद एक अपना हाथ में बनाया हुआ सुंदर एक फूल की माला, और राधा रानी अपना हाथ में जो पान की बिड़िया, सुंदर एक पान की बिड़िया कृष्ण के लिए, और दो चंपक पुष्प, देखे हो कभी चंपा पुष्प, ये इधर तक ज्यादा करके दिखता नहीं, बंगाल उड़ीसा में दिखता है, राधा रानी के रंग जैसे वो चंपक पुष्प का रंग वैसे, अगर यहाँ एक फूल रख दिया जाए ना उसको सुगंध से पता चल जाएगा कि एक फूल कहाँ रखा हुआ, बड़ी सुंदर सुगंध है। इसलिए दो कृष्ण की कुंडल के लिए दो चंपक पुष्प, मतलब जो पुष्प देखते ही कृष्ण की मन में राधा रानी के दर्शन की उत्कंठा जगी, और राधा रानी प्रेम से फूलों की माला बनाती थी। जब वृंदा देवी कृष्ण को गले में वो फूल की माला पहना दे और राधा रानी के हाथ की जो पान की बिड़िया है बड़ी सुंदर उसमें मसला दे कर की, कृष्ण जब उसको खाते थे और चंपक पुष्पों को दर्शन करते थे, तब राधा कृष्ण का हृदय में राधा रानी की के मिलने के लिए उनके हृदय में उत्कंठा आता था। कृष्ण सखाओं को बोलते थे, बोले आज मेरे कहीं के निमंत्रण में, निमंत्रण में जा रहा है, लेकिन वो क्या करते थे, मधुमंगल सखाओं को लेकर, मधुमंगल ही ब्राह्मण है, अब ब्राह्मण थोड़ा खाने का उनका शौक होता है, ब्राह्मण को थोड़ा भोजन प्रिय है ब्राह्मण लोग, तो उन्होंने उनको लेकर के यहीं पर आ जाया करते थे। और यहीं पर आने पर क्या होता था, यहाँ आने पर यहीं पर राधा रानी अपना सखियों को साथ में यहीं पर बैठे हुए यहीं पर लीला करते हैं। अभी यहीं पर आ करके कृष्ण और राधा रानी, एक तरफ में कृष्ण और मधुमंगल, दूसरे तरफ में राधा रानी और उनके बहुत सारी सखियां यहीं पर पासा खेलते,
हैं पासा खेलते हैं, पासा खेलते खेलते कृष्णा अपने ना पासा का जो काठी होता है ना, देखे हो पासा काठी, कृष्णा जो काठी फेंकते थे वो पीला रंग का, क्यों राधा रानी का रंग पीला रंग है, राधा रानी के हाथ जो पासा की पाकर पासा फेंकते थे उसका रंग कृष्ण का रंग जैसे, इतने में देखो बोले कृष्ण देखो अगर मैं हार गया ना ये मेरी बंसुरी है, ये मेरी बंसुरी में बंसुरी तुम लोग ले लेना, राधा रानी कहते अगर मैं हार गई मेरे गजपति हार है ये पण है, इतने में कृष्ण ने पासा घाटी फेंके, पासा घाटी फेंकते ही कृष्ण जीत गए है, कृष्ण जीत गए तो इतने में उनकी जो गजपति हार को उन्होंने ले लिया, इतने में राधा रानी का पासा घाटी फेंकी तो इतने में राधा रानी जीत गई, राधा रानी जीत गई तो कृष्ण की बंसुरी को ले लिया, जब कृष्ण बंसुरी चली गई कृष्ण ब्रज में जो कुछ काम करते थे ना बंसुरी से, गैया का बुलाना हो बंसुरी से, अगर गोपियों को बुलाना हो बंसुरी से, सारे काम कृष्ण बंसुरी, वृंदावन में उनका आश्रय ही ये बंसुरी, जब बंसुरी चली गई बोले भैया गड़बड़ी हो गई, और बंसुरी लेकर क्या की, राधा रानी का जो चोटी है ना, राधा रानी का केस सर से लेकर चरण तक उनका केस बहुत लंबी लंबी केस है, उन्होंने क्या किया बंसी को लेकर के छोटी का अंदर में छिपा दिया, हाँ कृष्ण की बस छुपा दिया, जब ऐसे लीला हो रही थी इतने में एक तोता है जिसका नाम विचक्षण तोता, बड़ा चतुर तोता, इसलिए भागवत पढ़ करके देखना हर जगह में लिखा हुआ श्री सुक उवाच, श्री सुक उवाच, श्री मतलब श्री राधा रानी, सुक मतलब तोता, उवाच ये कौन तोता, राधा रानी की ये तोता है, ये तोता कोई साधारण नहीं, कहते प्रिया सुक श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेन एकांतकरण रहस्य पाठी निकुंज प्रसाद सदा निवास, कहते तोता कौन है, अब भागवत सुने कि नहीं, कौन कौन सुने भागवत, मतलब भागवत कथा किसने कौन किसको सुनाए, सुखदेव किसको सुनाए, हरिदीप को, लेकिन वहां पर तो 88,000 ऋषि लोग थे हैं, बड़े बड़े दाढ़ी कोई 100 साल 2 साल 5 साल की, सुखदेव गोस्वामी को उम्र कितना था 16 साल के, कहीं आते हैं 12 साल के, लेकिन नंगे धनगे कथा वहां पर पिताजी बैठे हुए, लेकिन कथा किससे सुने, श्री सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव से क्यों सुने, कारण किया है, कहते वो जो तोता है ना वो साधारण तोता नहीं, वो राधा रानी के प्रिय तोता, जिसको राधा रानी हाथ में बैठा करके अनार की दाना खिलाया करती थी, कृष्ण विरह की श्लोक पढ़ती थी, कह बोलती थी बोलो तो कृष्ण कृष्ण, अरे बोलो, वो तोता बड़े सुंदर राधा रानी की आवाज जैसे बोले कृष्ण कृष्ण, जब वो तोता फिर जब कृष्ण को पास में चले जाते थे फिर कृष्ण बोलते बोलो तो राधे राधे, वो तोता भी बड़े सुंदर बोलती थी राधे राधे, कभी कभी राधा रानी क्या करती थी, वो तोता को कृष्ण रूप मान करके चुंबन करती थी, चुंबन करने पर राधा रानी की जो अधरा मृत ये तोता की चोंच में लग गई, चोंच में लगने पर है राधा रानी कौन है, राधा शब्द को उल्टा दो क्या होगा, जोर से बोलो, हाँ ये राधा नहीं ये कृष्ण प्रेम रस की ये धारा सी राधा रानी, बोले श्री राधा रानी की, श्री वृषभान राज नंदन की, इसलिए अभी ये तोता, इसलिए राधा रानी की प्रिय तोता ये है ये निकुंज प्रसाद में रहने वाले, इसलिए ये क्या करती है, ये आकाश में ना घूमते रहते हैं, सारे खबर पहुंचाने वाली कौन कहां किधर आ रहे ये सारे आकाश में घूमते रहती हैं, इतने जटिला कुटिला में देखा ये दोनों राधा रानी तो सखियों को लेकर बड़े देर से गई, लेकिन अभी तक क्या सूर्य पूजा हुई नहीं, इतना देर क्यों करती है, इसलिए सांस का नाम कुटिला, कुटिला मतलब कुट 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 जो करती है, जटिला मतलब जो जट पकाती है, हैं जट बोले क्या चक्कर क्या है, ऐसे नहीं सूर्य पूजा की बहाना से जाकर कृष्ण के साथ में तो खेल नहीं रही, इतने में जटिला कुटिला ना बड़ी तमतमात हुई, क्रोधित होकर के आए, अभी तक क्या सूर्य पूजा नहीं हुई, अभी तक लेट है, जब आ रही थी तोता देख लिया जटिला कुटिला तोता उड़ते हुए आ गया, बोले सावधान सांस ननद आ रही है, आपको पता कितना तेज है, तुम्हारी जटिला कुटिला सांस ननद आ रही है, इतना सुनते ही
जब सखियां पासा खेल लगी ना फटाफट भागे यहाँ से और कृष्ण को लेकर के और मधुमंगल दोनों को लेकर जंगल में छुपा दिया। जो पासा और काठी सब था उसको लेकर जंगल में छुपा दिया और राधा रानी क्या की सखियों को साथ में ये सूर्य मंदिर में वहीं पर बैठी गई। मान जैसे सूर्य पूजा कुछ जानते नहीं और चटला गुटला तमतमाते हुए आई आगे बोले कब से आए अभी तक सूर्य पूजा क्यों नहीं हुई क्या कर रही है यहाँ पर बैठी करके है सूर्य पूजा की बहाना बना कर आते हो और उल्टा पुल्टा काम करते रहते हो यहाँ पर। इतने में ललिता बड़ी तेज प्रखर है ललिता। ललिता बोली हमारे क्या दोस्त बोले तुम्हारे दोस्त ने कब से आए क्या हुआ बोले हम तो ब्राह्मणों को ढूंढते हैं पूजा कराने के लिए लेकिन जब ब्राह्मणों को पता चलता है ये चटला कुटला की बहू है ना ब्रज में तुम्हारी इतने बदनामी तुम्हारी ब्रज में कोई सुन करके चटला कुटला की बहू तुम्हारी डर से कोई पूजा कराने नहीं आते हैं हम क्या करेंगे तुम्हारी बदनामी चटला कुटला चुप हो गई तो बोले देखो एक काम करो किसी ब्राह्मणों को थोड़ी सी ज्यादा दक्षिणा लोग दिला दो हाँ ज्यादा दक्षिणा लोग दिला कर ले आओ पास कितने में ललिता विसा गई और कृष्ण और मधुमंगल को जंगल में छुपा कर रखे थे उनको जाकर के ले आए पूरा ड्रेस बदला दिया हाँ बड़े सुंदर ब्राह्मण का रूप धारण कर कृष्ण तो जैसे चाहे वैसे बन सकते हैं बड़े सुंदर ब्राह्मण का रूप मधुमंगल कृष्ण ए वेद मंत्र उच्चारण करते करते लेकर के आ गए लेकर के आकर के यहीं पर उन्होंने राधा रानी को सूर्य देवता की उन्होंने पूजा कराया। लेकिन देखना जो पूजा कराते हैं ना पहले जो 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 माताएं पूजा करती हैं उसको पहले वर्ण करना पड़ता है पंडित को वर्ण करना पड़ता है। अभी पंडित को वर्ण करने के लिए इतने में राधा रानी को बोले भैया ये पंडित को वर्ण करो। कृष्ण बोले देखो मैं अखंड ब्रह्मचारी हूँ गर्गाचार्य का चेला अखंड ब्रह्मचारी मैं किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करता हूँ हाँ स्त्री की स्पर्श नहीं करता हूँ। इतने में एक लाए क्या घास लाए कुछ लाए बोले दूर से मेरे को स्पर्श करो पास से नहीं मैं अखंड ब्रह्मचारी हूँ गर्गाचार्य का मैं चेला हूँ। इतने में उन्होंने तकरीब उनको पूजा कराई जब पूजा कराए सूर्य देवता को बोलो मित्राय स्वाहा मित्र का एक अर्थ सूर्य और मित्र मतलब बंधु स्वाहा मतलब माने राधा रानी के मित्र कौन है कृष्ण ही तो उनको मित्र है ना असली मित्र है। मानो उन्होंने कृष्ण का चरण में उन्होंने आत्मसमर्पण किया जो बड़ी सुंदर वेद मंत्र से पूजा की। इतने में उनको पता चला कि जो ब्राह्मण है ना बड़ा ज्योतिष ये हस्तरेखा देखना जानता है ये हाथ में ना हमारे सब कुछ लिखा हुआ है अगर सही सही हस्तरेखा कोई पढ़ सकता है ना सब कुछ आपका जीवन का सारे कुछ ये हाथ में रखा हुआ है सारे हस्तरेखा में। इतने में उनको पता चला जो ब्राह्मण है ना वो अच्छे हस्तरेखा ज्योतिष है। इतने में जटला कुटला बोली बोले हमारी बहू को थोड़ा हाथ देख लो बताओ तो हमारी बहू को क्या होने वाले। इतने में राधा रानी को बोले थोड़ा हाथ दिखाओ। राधा रानी तो कौन है कहते करोड़ करोड़ उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी जितने देवी जगत में सबका मूल श्री राधा रानी। इसलिए राधा जी का एक नाम ऊर्जा ऊर्जा मतलब प्रकाश तेज हाँ बहु कोटि करोड़ों करोड़ों सूर्य को भी चंद्रमा को जो तेज को भी जो निस्तेज करने वाले श्रीमती राधा रानी। पहले सुना था ना राधा रानी कितना सुंदरी याद है कि नहीं राधा रानी कितने सुंदरी राधा रानी कहती है पृथ्वी में जितने माताएं हैं ना जितने सारे सुंदरता को एक करते स्वर्ग में एक अप्सरी को साथ में स्वर्ग में जितने रंभा उर्वशी सभी का सुंदरता एकत्रित करते श्री कहते एक लक्ष्मी को साथ में बराबर करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी इनकी सुंदरता को एकत्रित करते एक ब्रज गोपियों को साथ में समान और करोड़ों करोड़ों गोपियों की सौंदर्य का एकत्रित करते राधा रानी की चरण की नख की छटा में भी समा जाएगा ऐसे राधा रानी की सुंदरता श्रीमती राधा रानी की। अभी जब राधा रानी अपना हाथ को निकाली ना कृष्ण तो उसको राधा जी के हाथ कांपना शुरू हो गई मतलब इतने सुंदर राधा रानी हाँ कृष्ण तो कांपने लगे देख करके। इतने में कृष्ण चंद्र ने बोले देखो तुम्हारी जो बहू है ना लगता है सख्या लक्ष्मी स्वरूप की इसके जो हाथ की जो रेखा है ये कहता है जिस घर में ये रहेगी उसी घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं पड़ेगी दिन दोगुना और रात चौगुना उसी घर में खूब धाम धाम दौलत बढ़ेगी। और देखो तुम्हारी जो बेटा है ना आयना घोष तुम्हारी उसको पर बड़ा बड़ा विपत्ति आती है
लेकिन चूंकि तुम्हारी जो पत्नी है ये परम सती नारी है, परम सती नारी, अगर पत्नी अगर सती होना, वो सतीत्व में इतने सती, जैसे सती सावित्री का नाम सुने होंगे, हाँ उसी सावित्री सती थी, पति मरने पर भी पति को भी जमपुर से उसने वापस लिया, इतने स्त्रियों की सतीत्व में इतने शक्ति है, इसलिए इसकी सतीत्व की वजह से क्या होता है, तुम्हारे घर में बड़ी बड़ी विपत्तियां आती हैं, लेकिन इसकी वजह से तुम्हारे घर में कोई विपत्ति नहीं आती, तुम्हारी बहू की वजह से, और तुम्हारी बहू सर्व गुण संपन्न, तुम्हारी बहू लक्ष्मी स्वरूपिणी, तुमने उन्होंने प्रशंसा की ना, और इनकी वजह से तुम्हारे घर में धन दौलत खूब आएगी, खूब बढ़ेगी, सुन करके खुश हो गए है, जटला गुटला खुश हो, बोला पंडित तो बहुत अच्छे पंडित है, अच्छे पंडित है। इतने में नियम है, पंडित ऋषि जब पूजा कराओ ना, और हाथ देखा फ्री में नहीं करानी चाहिए, कुछ ना कुछ दक्षिणा देनी चाहिए, क्योंकि दक्षिणा के बगैर क्या होगा, सब कुछ निष्फल हो जाएगी है, कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। तब जटला गुटला खुश हो गई, बोले हम कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं। कृष्ण बोले देखो हमें दक्षिणा की कोई जरूरत नहीं, हम निष्कपट ब्राह्मण हैं, हमें दक्षिणा की कोई जरूरत नहीं, जब जब यहाँ पर आया करो, हम लोग यहाँ तहत रहते, कभी हमसे पूजा करा दिया करो, हमें दक्षिणा की जरूरत नहीं। अभी तक तो हमने इससे पंडित देखा नहीं, आप देखना जहाँ जहाँ जाओ ना, जितना पैसा भले ही जितना दे दो, मैंने और दो और दो और दो, भले इतना मन नहीं भरता, ये तो कहता है हमको कुछ नहीं चाहिए। बोले पंडित तो बड़े अच्छे पंडित है, बोले पंडित जी रोज आकर हमारी बहू की पूजा कराना, रोज बहू की पूजा करना, लेकिन साथ में मधुमंगल, ये असली ब्राह्मण तो ब्राह्मण है ना, उनको स्वभाव है दक्षिणा लेना स्वभाव, मधुमंगल का देखो नियम है, बगैर दक्षिणा के पूजा कराएगा तो बच्चा का कोई फल नहीं मिलेगा, भैया कुछ देनी चाहिए। इतने में राधा रानी के हाथ में जो मुद्रिका थी ना हीरे की, उन्हें मुद्रिका को निकाल करके दी और बोले देखो तुम्हारे पास ब्राह्मण मोदक प्रिय, ब्राह्मण उधर लड्डू प्रिय है, बोले तुम्हारे पास में जो लड्डू है ना, लड्डू दे, ये लड्डू का हमें दे दो। इतने में वो लड्डू का उन्होंने मधुमंगल जी को वो लड्डू दे देते हैं, और ब्राह्मण पाकर लड्डू बड़ी खुश हो गए, उनको तो मीठा प्रिय ब्राह्मण का। इतने में नियम है, जब किससे पूजा कराओ, बहू से लास्ट में ब्राह्मण को प्रणाम करनी चाहिए, बहू प्रणाम करो ब्राह्मण का आशीर्वाद लो, लेकिन उनको चोटी के अंदर में गया है, बांसुरी छुपा कर वहीं पर कृष्ण की रखे है, वहीं पर बांसुरी है। जब राधा रानी प्रणाम की ना, बांसुरी झट गिर पड़ा, जब गिर पड़ा, सब जानते हैं दुनिया का बांसुरी किसके पास में, इतने में जटिला कुटला जो बंसुरी, बोले ये बंसुरी कहां से आई, ये बंसुरी था कृष्ण के, बंसुरी बंसुरी कहां से आ गई, अभी तो सबके सब चिंता में पड़े, अभी क्या बोले। इतने में झट ललिता, बड़े प्रखर आए ललिता, बोले हम रास्ता में जा रहे थे, हमने देखा रास्ता में ये बंसुरी पड़ा हुआ, ये जो बंसुरी है ना हमारी, यही सारे बंसुरी हमको गड़बड़ी करती है, तब तक हम स्थिर रहते हैं जब तक ये बंसुरी नहीं सुने, इसलिए बंसुरी बजाती हम इनकी बंसुरी सुनते सब पागल हो जाते हैं। हमने जब देखा मेन रोड में पड़ा हुआ, हमने सोचा चलो ये बंसुरी सब कुछ हमारी धैर्य को नष्ट करने वाली, इसको लेकर हम यमुना में बहा देंगे, इसलिए हम ला कर छुपा कर रखे थे, और ये गिर पड़ा। बोले अच्छा हुआ, बोले क्या करो, बोले ये दोनों ब्राह्मण आए कहाँ से, मथुरा से, कृष्ण तो कह बंसुरी गया था, सब कुछ गया मेरी, सारे काम तो बंसुरी से करता हूँ। बोले एक काम करो, ये मथुरा से आए बंसुरी, ये बंसुरी क्या कर इनको दे दो, ये ब्राह्मण को, ये ब्राह्मण लेकर के मथुरा जाकर कंस के पास में जमा कर देगा। बोले लो ये बंसुरी ले जाओ, कृष्ण को चैन मिला, बोले हे भगवान बंसुरी, अपना बंसुरी मेरे पास में बंसुरी आ गई। फिर तो कृष्ण और मधुमंगल यहाँ लड्डू और बंसुरी को लेकर चले गए। इसलिए यहाँ पर राधा रानी ये सूर्य पूजा की बहाना से आती थी, और यहीं पर राधा कृष्ण की मिलन हुआ करती थी, और उस तरफ में एक दिव्य जीवन में पहला बार एक चीज देखोगे, यहीं पर राधा रानी जो कुंड है ना, इसी कुंड में राधा रानी सखियों के साथ में स्नान करती थी। जब स्नान करती थी, एक पत्थर का शिला था, जिस शिला के ऊपर में राधा रानी अपना मुकुट को रख करके स्नान करती थी। जब मुकुट को रख करके स्नान करती तो शिला के ऊपर में राधा रानी के मुकुट का चिन्ह आ गया, मुकुट का चिन्ह आ गया। इतने में काल क्रम 5,500 साल, उसके बाद अभी जो श्रवण कर रहे थे जो मधुसूदन दास बाबा जी महाराज है, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का गुरु, जब यहीं पर वो भजन करते थे, एक दिन ये कुंड में स्नान किए, स्नान करते ये पत्थर अपने आप इनके हाथ में आए, और देखा पत्थर के ऊपर बड़े सुंदर मुकुट का चिन्ह,
राधा रानी स्वप्न दिया, बोले मैं जब यही स्नान करती थी इसी शिला को ऊपर में मुकुट रख करके स्नान करती थी, इसलिए इसमें मेरे मुकुट का चिन्ह है, इसलिए इसका नाम मुकुट शिला है। क्या नाम है? मुकुट शिला है। राधा रानी स्वयं स्वप्न दी, इसलिए अभी हम उधर जाएंगे और जो बाबा जी महाराज जो भजन करते थे भजन स्थली है, आप लोग दर्शन करना पूरा पत्थर के ऊपर में है, जैसे कोई चित्रांकन करते है ना, पूरा पत्थर के ऊपर में राधा रानी के मुकुट की चिन्ह है, है? और यहीं पर सब जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, आप लोग उन्होंने बताया ना प्रभु जी जब तक जीवन में गुरु परंपरा नहीं हो ना तब तक भगवत भक्ति नहीं मिलेगी, इसलिए शास्त्र कहता है तब भी कहीं दीक्षा मंत्र ग्रहण करो जब ये गुरु परंपरा भगवान से आया हुआ हो, ऐसे बीच में भूई फोर बनकर कोई आ गया जैसे तैसे एक नाम निकाल दिया करो, नहीं से कल्याण नहीं है। जैसे हमारे संप्रदाय अभी हम जो गोपाल मंत्र जप करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र आया कहाँ से? सबसे पहले भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को बंसी ध्वनि से ये मंत्र प्रदान किया। फिर ब्रह्मा जी क्या किया? अपना बेटा नारद को दिया। नारद जी क्या किया? उन्होंने व्यास देव को दिया। फिर व्यास देव को दिया मध्वाचार्य। मध्वाचार्य लक्ष्मी तीर्थ तीर्थ कहती जो मंत्र है ना ये भगवान से गुरु परंपरा रूप में यहाँ पर आई। अगर जैसे कहीं कोई चीज बिक रहा है अगर प्रॉपर लाइन में अगर खड़ा होंगे तभी तो वो चीज मिलेगा ना, अगर लाइन से बाहर खड़ा होगा जिंदगी भर खड़े रहोगे लेकिन तुमको वो चीज नहीं मिलेगी, है नहीं मिलेगी। इसलिए नियम है अपना जो गुरु परंपरा जो चार संप्रदाय बताए ये भगवान से ही ये मंत्र शिष्य परंपरा में आई है, इसलिए अगर ये लाइन में खड़े रहोगे एक दिन जरूर तुम्हारी नंबर ठाकुर के पास में पहुंच जाएगा है। इसलिए वो संत को राधा रानी स्वयं स्वप्न दे करके उन्होंने ये किया, और यहीं पर जब भजन करते थे बाबा जी महाराज यहीं पर भजन करते हुए राधा रानी के लीलाओं को स्मरण करते थे और प्रेम में गदगद, और यहाँ पर एक स्थान है यहाँ पर एक संत भजन करते थे राधा कुंड श्याम कुंड में। जब अच्छे तरह से चीज को सुनो, जब स्मरण राधा कुंड श्याम कुंड में बैठ कर जब भजन करते थे ना उनकी बड़ी मस्ती आती थी, राधा रानी की लीला हृदय में अपने आप स्मरण होता था, राधा जी का प्रेम में वो संत गदगद हो जाते थे। एक समय इनके मन में इच्छा हुई हम थोड़ा द्वारका घूम करके आए, फिर इच्छा हुई जब राधा रानी के चरण में फिर द्वारका में जाने का क्या जरूरत, लेकिन बीच बीच में कभी कभी इच्छा होती थी। एक दिन कोई ब्रजवासी बोले बाबा बाबा मैं द्वारका जाना चाहता हूँ, मेरे कोई संगी नहीं आप क्या चलोगे? बोले मेरे मन में जो इच्छा हुई थी, बोले चलो ना खर्चा पानी कोई चिंता मत करो सब कुछ मैं दूंगा लेकिन मेरे कोई संगी होनी चाहिए। तब उन्होंने सोचा ठीक है द्वारका घूमा जो पैसा पानी सब मिलेगा, तब वो गए। जब द्वारका गए द्वारका में तो कृष्ण दर्शन किए लेकिन वहां पर छाप लगाते हैं न शंख चक्र गदा पद्म की छाप लगाते हैं। ये जो शंख चक्र गदा पद्म ये क्या है? कभी ये वैकुंठ का चिन्ह है, ये वैकुंठ का शंख चक्र किसके हाथ में? भगवान नारायण के हाथ में, ये वैकुंठ में रहते हैं। लेकिन उन्हें छाप को लगा करके जब फिर उन्होंने आए राधा कुंड श्याम कुंड में भजन करने के लिए, जब उन्होंने राधा जी की स्मरण करने के लिए चाहे तो उनको मन ही नहीं लगा, किसी तरह से राधा जी को स्मरण नहीं हो रहा है। बहुत कोशिश की राधा जी के चरण में मन लगा लेकिन मन चंचल किसी तरह से राधा जी के चरण स्मरण नहीं हो रहा, प्रभु विकल हो गए। बोले ये क्या हो गया, वो आनंद क्यों नहीं आ रहा है? इतने में आकाशवाणी हुई राधा रानी की, बोले इसी जीवन में मेरी कृपा तुम्हें और नहीं मिलेगी। क्यों? एक तो तुम मेरे चरण छोड़कर द्वारका में गया लेकिन तुमने वहां पर शंख चक्र की छाप लगा लिया। ये शंख चक्र छाप मतलब क्या? हम वैकुंठवासी लेकिन तुम रह रहे हो वृंदावन में, हमारे चरण की प्राप्ति हो तो बोलो तो वृंदावन प्राप्त होता है, तुमने वैकुंठ की छाप लगा करके आए, अभी तुम मेरे भक्त नहीं बन सकते इसी जीवन में और मेरी दर्शन नहीं होगा। उनने जब देखा ये जीवन में राधा रानी की जब कृपा नहीं मिली पर ये शरीर धारण करके क्या लाभ, इसलिए यहाँ पर रणबाड़ी है वहीं पर वो संत आए बैठ करके उन्होंने राधा रानी के चरण को स्मरण करते हुए जोगाग्नि के द्वारा उन्होंने अग्नि को प्रकट किया, अगर अग्नि प्रकट करके वहीं पर शरीर को उन्होंने स्वाहा कर शरीर को उन्होंने छोड़ दिया है। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते जो भक्ति है ना वो एक निष्ठ भक्ति होनी चाहिए, बहुनिष्ठ भक्ति से भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए मीरा कहती है मेरे तो गिरिधर गोपाला, हाँ भक्ति ऐसे होनी चाहिए भक्ति ऐसे। इसलिए उद्धव जब ब्रज में आए जब उन्होंने बड़ी ज्ञान की बात उद्धव ने बताए, भगवान सर्वत्र कहीं भी ध्यान करो ना, लेकिन गोपियां क्या कहते उद्धव मन ना भयो दस बीस,
मन दस बीस नहीं मन एक ही है, एक मन सो गए श्याम संग को हरा दे ईश। मन दस बीस थोड़ी, मन तो एक ही है, जिसको इतना एक ही टू मन दे सकते हो दूसरे को, आज इसको पूजा कर दिया कल इसको देवा दे, इसको धरा भैया कृष्णा कहते मैं किसको झूठा खाने वाला नहीं हूँ, हाँ किसे झूठा खाने वाला नहीं हूँ, इसलिए एकनिष्ठ हो, सबको सम्मान दो, असन्मान किसको मत करो, लेकिन हृदय में ना राधा गोविंद को ही हृदय में बैठा करो, ठीक है। बोले निताई गौर प्रेमानंद रे, बोले श्री सूर्य देवता की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, और श्री मधुसूदन बाबा जी महाराज की, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की, भक्तिवृंद ठाकुर जी। देखो अभी हम लोग इधर इधर एक रास्ता है, हम इधर से जाएंगे वो बाबा का भजन स्थली, और जो मुकुट में जो चिन्ह है हम उसको दर्शन करेंगे, दर्शन करेंगे जहाँ पर हम लोगों का कहीं प्रसाद, मैंने सुना आज जलेबी पकौड़ी।